मेरा नाम अलंकार अग्निहोत्री है मैंने यूपीपीसीएस पी की जो फाइनल रिजल्ट निकला है उसमें 15वीं रैंक पाई है और डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया है मैं सबसे पहले तो वैध आई को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने मार्गदर्शन किया स्पेशली जितने भी हमारे जो गण हैं जिसमें डॉक्टर पीएम एम त्रिपाठी जी हैं भदौरिया सर हैं पांडे सर हैं और हरीश सर हैं इन सबको मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं इन परीक्षाओं के लिए सिविल सर्विसेज़ की चाहे वो स्टेट लेवल की एग्जाम्स हों या यू पी एग्ज़ाम्स हो हमारे जो जो भी अध्यापकगढ़ हैं उनसे मार्गदर्शन लेते रहें जो भी इस तैयारी के दौरान कुछ जो चीज़ें मैंने सीखी हैं उनके बारे में मैं अभ्यर्थ जो भी एस्पिरेंट्स हैं अभ्यर्थी हैं उनको मैं कुछ बताना चाहता हूँ खासकर से कुछ सवाल हैं जैसे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको एक प्लान बनाना चाहिए जब से आप तैयारी कर रहे हैं कम से कम ये सोचना चाहिए कि जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है और द जो डे वन है जब से आप तैयारी कर रहे हैं उसमें कम से कम पंद्रह महीने लगते हैं इससे कम समय में तैयारी करना संभव नहीं है और अगर कोई कर पाता है तो बहुत ही अच्छा है तो ये प्लान बना कर चले और ये देखें कि जो भी आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए टाइम ॉट करें और मेंस के सब्जेक्ट्स के लिए भी उसी तरीके से प्लान करें ये इंश्योर करें कि जब प्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके जो जीएस के पेपर्स हैं कंपल्सरी जो पेपर्स हैं और जो ऑप्शनल्स हैं ऑप्शनल्स उस डेट पर कंप्लीट हो जाने चाहिए नहीं तो ऐसा होता है कई बार कि जब आप प्री देकर निकलते हैं आपके ऑप्शनल्स ही तैयार नहीं रहते तो जो आगे की जो तैयारी और प्लानिंग जो करनी पड़ती है उसके लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं दूसरा है कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए बुक्स के लिए आप जो भी मानक बुक्स हैं जैसे कि एन की बुक्स होती हैं वो पढ़ें और जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं अगर वो अपने नोट्स बनाते हैं तो उनको रेफ़र करें बाकी सब्जेक्ट्स के लिए ये इंश्योर करें कि जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है क्योंकि मार्केट जो भी कमर्शलाइजेशन इतना हो चुका है तो कई राइटर्स उनकी बुक्स मौजूद हैं लेकिन ये देखें कि जो इंटरनेट पर रिव्यू देखें या फीडबैक देखें या कोचिंग संस्थान में जो भी अभ्यर्थी हैं जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनसे बात करें और देखें कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रामाणिक जो पुस्तक है टीचर हैं वो कौन है उन्हीं की पुस्तकें पढ़ें और ख़ासकर माध्यम जो चूज़ करते हैं जैसे इंग्लिश माध्यम है हिंदी माध्यम तो ये भी देखें कि उस माध्यम में पुस्तकें मौजूद भी हैं या प्रामाणिक पुस्तकें उपलब्ध हैं कि नहीं जी जो अभी तक तो 2016 सिक्सटीन एंड ट्वेंटी तक तो ऑब्जेक्टिव आता रहा है तो उसके लिए तो कुछ प्रकाशन हैं जैसे वाणी प्रकाशन है या घटना चक्र प्रकाशन है या एन सी आर टी की बुक्स हैं उनसे काम चल जाता था लेकिन अभी अब अलग तरीके से क्योंकि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो गया है जी एस का कंपल्सरी चार पेपर्स हैं तो उनके लिए अलग तरीके से लोगों को जो कंटेंट है काफ़ी डेवलप करके पढ़ना पड़ेगा तो एन सी आर टी अब फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा और राइटिंग की प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी ये इंश्योर करना पड़ेगा जो राइटिंग की जो टेस्ट सीरीज़ होती है उसको अधिक से अधिक उसका यूज़ किया जाए और जो भी अध्यापक गण हैं उनसे उस जो भी एग्जामिनेशन देते हैं जो भी टेस्ट सीरीज का उसको उनसे चेक कराएं और जो भी फीडबैक है फीडबैक लें और अपने आप को इम्प्रूव करते रहें ये तो कंपलसरी पेपर्स है ऑप्शनल पेपर्स में कई बार ये पूछा जाता है कौन से सब्जेक्ट यूज़ करने चाहिए तो सबसे पहले देखें कि आपकी उस सब्जेक्ट में रुचि क्या है अगर आप सोशल वर्क है या डिफेंस है इस तरीके के सब्जेक्ट ले रहे हैं तो ये देखिए कि आपकी उसमें रुचि है अगर या सोशलॉजी है तो कई बार आप जल्दी से सब जो ऑप्शनल है उसको चूज़ करने मत रहें हर जो भी सब्जेक्ट है उसके कुछ एक दो क्लास के नोट्स पढ़ें और देखें कि आपको उसमें रुचि आ रही है अगर आ रही है जिस भी सब्जेक्ट में तो उसमें आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आपको ये देखना है कि अगर आप कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें इंग्लिश जो मीडियम है उसमें आपको बुक्स बहुत अच्छी मिलती हैं जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है अगर वो चूज़ करना है मैंने उसमें इंग्लिश मीडियम में ही मैंने उस एग्ज़ाम को दिया था क्योंकि तो उसमें जो भी कंटेंट है जो बुक्स जो राइटर्स हैं टीचर्स हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं तो उसमें अच्छे प्रमाणिक जो टीचर्स अवेलेबल हैं उनकी बुक्स अवेलेबल हैं तो इसलिए मैंने इंग्लिश मीडियम से ही उसको चूज़ किया रहा बात रही बात सोशल वर्क की उसमें हिंदी में जो है कंटेंट ज़्यादा है उसमें आप हिंदी में लिख सकते हैं मैंने इंग्लिश मीडियम उसमें भी चूज़ किया था क्योंकि मैंने अपने नोट्स बनाए थे जो उसमें जो इग्नू का मटेरियल था जो पूरा सेट था वो मैंने वहाँ दिल्ली से लिया था और उसको मैंने पढ़कर ही सोशल वर्क का एग्ज़ाम दिया था डाउट्स होते हैं इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कि किस तरीके के ऑप्शन चूज़ करें जैसे ह्यूमिटीज़ uh, के सब्जेक्ट्स लेंगी सोशल वर्क uh, या सोशलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी इस तरीके के सब्जेक्ट्स लें या टेक्निकल सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री तो ये व्यक्ति के जो भी इंटरेस्ट पर निर्भर करता है अगर उसको लगता है कि वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आफ्टर स्केलिंग अगर 275 से ऊपर स्कोर कर सकता है तो सब्जेक्ट निसंदेह ले सकता है इसके अलावा ऑनलाइन चैनल का जो किस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए जो मैंने बखूबी किया था ख़ासकर जो करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स होते हैं वहाँ आप देखिए जो भी टॉप फाइव साइट्स हैं जो करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको आप डेली रेफ़र करें और उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके नोट्स बनाते रहें एक करंट अफेयर्स की एक अलग से बुक बनाएं जो भी ऑनलाइन सोर्स में आप यूट्यूब का बहुत अच्छे से जैसे वैध आई का चैनल है बहुत सारे मॉक इंटरव्यू सेशनस हैं उसमें पढ़े हैं इसके अलावा जो भी क्लास रूम होते हैं उसको वैध आई के चैनल पर आप जाकर रेफर कर सकते हैं और उसको जस्ट रेफर न करें उसको ये इंश्योर करें कि आप पढ़ें और उसके बाद उस जो भी मॉड्यूल है उसके नोट्स अपने पास बना लें और ऐसे बनाएं कि ये पता भी चले आपको लेटर कि आपने किस डेट पर उस नोट्स को पढ़ा था और किस चैनल के थ्रू पढ़ा जैसे वैध आईसी के आप अगर चैनल से नोट्स बना रहे हैं तो आपको उसी आ, उसका रेफर रेफरेंस जरूर बता दें जिससे कई बार होता है आपको वो चैनल फिर से रेफर करना पड़े मान लीजिए आपने कुछ नोट्स मिस कर दिया तो आप जाकर वापस उसको देख सकें ऑनलाइन चल इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ जब ये सब आपका कोर्स हो जाए खासकर अगर प्रीलिम्स लेवल पे आपका कोर्स कंप्लीट है तो इंश्योर करें प्री एग्ज़ाम के पहले एक टेस्ट सीरीज जो भी प्रोग्राम होता है जैसे कोचिंग में वीकली एक या दो टेस्ट होते हैं जिसमें सी का भी टेस्ट होता है और जी का प्रलिम्स लेवल का टेस्ट होता है वो इसको इंश्योर करें कि अच्छे से दें और उसमें जब भी मार्क्स आते हैं उसको देखें उसका फीडबैक लें और देखें कि गलती कहाँ पर हो रही है उसको नोट डाउन करें और ट्राई करें इम्प्रूव करें नेक्स्ट टाइम जब भी वो टेस्ट सीरीज में अगर वैसा ही रिपीटेड क्वेश्चन आता है तो उसको इंश्योर करें कि वो गलती दोबारा ना हो और टेस्ट सीरीज में जाने से पहले एक और काम कर सकते हैं जो भी पिछले 20 से 25 सालों के जो सॉल्व पेपर्स प्री लेवल के या मेंस लेवल के जो ऑब्जेक्टिव जितने भी एग्जाम्स हुए हैं करंट अफेयर्स छोड़ के आप सब उन सबको लगा सकते हैं जिससे कि आपका एक बेसिक जो बेस है क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन बैंक होती है आपके दिमाग में होगी जो कि अगर फिर से सेम क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी इकनॉमी इन सब के क्वेश्चन जो हैं रिपीट होते हैं कई बार अगर वो डिटो उसी तरीके से नहीं पूछते तो थोड़ा घुमा कर पूछ सकते हैं जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था बहमनी जो बहमनी जो साम्राज्य उसका गठन कब हुआ था उसका आंसर 1347 एडी है लेकिन एक बार क्वेश्चन घुमा के पूछा कि भहवनी साम्राज्य का गठन किस शताब्दी में हुआ था तो 14th सेंचुरी में हुआ था तो सेम क्वेश्चन है बस थोड़ा सा उसको घुमा कर पूछा एक और क्वेश्चन कैंडिडेट्स जो एस्पिरेंट्स हैं उनके दिमाग में आता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक तो चयन कैसे करें और क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत है कि नहीं मेरे जितने मेरे अनुभव हैं मैंने दूसरों को देखा है मैंने देखा है कि जो 99% परसेंट जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी किसी भी रूप से कोचिंग में अध्ययन उन्होंने किया होता है तो मुझे लगता है कि कोचिंग में पढ़ाई करने से काफ़ी चीज़ें सकारात्मक होती हैं जैसे आपका एक स्ट्रक्चर सेट हो जाता है आपको एक पर्टिकुलर टाइम में पूरा सिलेबस ख़त्म करना पड़ता है तो उससे आप थोड़ा सा एक रेगुलेट होकर पढ़ाई करते हैं आपको पता है कि कोचिंग में एक महीने में हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री एनशियंट हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो आपको एक महीने में ख़त्म करनी है तो मेरे हिसाब से कोचिंग आपको करनी चाहिए और जो नहीं कर पा रहे हैं वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट खासकर जो वैध आई का जो चैनल है जो यूट्यूब चैनल है उसको रेफ़र कर सकते हैं और उसमें अगर किसी ग्रामीण इलाके में हैं तो कोई भी इंटरनेट पर लिंक पे जाकर यूट्यूब के लिंक पे जाकर आप देख सकते हैं एक और बात मैं कहना चाहूँगा क्योंकि यह एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि बहुत धैर्य की परीक्षा करता है आपकी और कोई भी रिज़ल्ट जो खासकर स्टेट लेवल पे जो रिज़ल्ट है उसमें कभी कभी दो से तीन साल की देरी हो जाती है यूपीएससी का रिज़ल्ट जो है वो एक साल उनका टाइम विंडो जो है काफ़ी फिक्स रहता है बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं तो वहाँ पर एक साल में आपको क्लोज़र मिल जाता है लेकिन जो स्टेट एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको इतनी जल्दी क्लोज़र नहीं मिलता है तो ये इंश्योर करें एक बार अगर आपने एग्ज़ाम लिख लिया है मेंस लेवल का एग्ज़ाम लिख, लिख लिया है साथ में जो भी अन्य जो लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं अपर पीसीएस के अलावा या रिव्यू ऑफिसर्स के एग्ज़ाम होते हैं उनको भी साथ साथ देते रहें जिससे कि अगर ये रिज़ल्ट देरी से आता है अपर पी का तो और इससे पहले अगर आपकी कहीं जॉब लग जाती है तो आप पर फाइनेंशियल प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ेगा और अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसको लगता है कि फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उसकी उतनी अच्छी नहीं है तो कोचिंग संस्थान में आकर वो बात कर सकता है यहाँ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर पी एम त्रिपाठी सर हैं उनसे बात कर सकता है उन्हें लगेगा कि अभ्यर्थी जो है बहुत ही मेहनत करना चाहता है और आगे सफल हो सकता है तो निसंदेह उसकी मदद करेंगे एक और बेसिक जो क्वेश्चन आता है जब प्री ओमेंस की स्टेज क्लियर हो जाती है तो इंटरव्यू का जो फियर है उसको कैसे दूर किया जाए तो उसके लिए सबसे पहले ये कर सकते हैं कि एक महीने पहले तक आप कुछ करंट अफेयर्स जो लास्ट सिक्स मंथ्स का या लास्ट फोर मंथ्स का करंट अफेयर्स का अध्ययन करें और जो भी इंटरव्यू के लिए मॉक सेशंस जो संस्थान द्वारा चलाए जाते हैं उनमें जरूर से ज़रूर आएँ खासकर जो क्लासेस होती हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं वो क्लासेस लेते हैं इंटरव्यू के पहले और उन क्लासेस को करें और नोट्स बनाएं और इसके बाद जो भी मॉक सेशंस हैं जैसे दो मॉक सेशंस में अगर आप इंटरव्यू के दौरान आप उनको अटेंड करके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद जो फीडबैक है उसको इम्प्रूव करते हैं जो भी अपनी शॉर्ट हैं तो उससे जो इंटरव्यू का फियर है जो एक्चुअल जब हम लोग कमीशन में जाते हैं तो काफ़ी हद तक दूर हो जाता है इसके अलावा मैं जितने भी अभ्यर्थी जो यू पी में सफल हुए हैं उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ और जो भी अभ्यर्थी सफल नहीं हुए हैं उस इंटरव्यू के दौरान मैं चाहूँगा कि आगे 2017 जो अगर उन्होंने अपियर हुए हैं उसमें अच्छे से अच्छा उनका रिज़ल्ट आए और नहीं तो 2018 जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो सीट हैं और आगे बढ़ने की संभावना है मुझे लगता है कि हज़ार से ज़्यादा सीटें हैं उसमें तो मैं आशा करता हूँ और उनको शुभकामनाएँ देता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी सफल अभ्यर्थियों की सूची में उनका नाम हो धन्यवाद